भाजपा ने लोकसभा चुनाव की पहली सूची जारी करते हुए 23 नामों का ऐलान किया है, जिसमें गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और खजुराहो से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को मैदान में उतारा गया है। इन नेताओं की जीत तय मानी जा रही है। भाजपा ने मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की पहली सूची जारी कर 29 में से 23 नामों का ऐलान किया है, जिसमें 11 नए चेहरे नजर आ रहे हैं। लेकिन सूची चर्चा का विषय तब बनी जब उसमें विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम सामने आया। सूची जारी होने के बाद ये साफ हो गया है कि शिवराज सिंह को भाजपा हल्के में नहीं ले सकती। भाजपा ने भोपाल से आलोक शर्मा, मुरैना से शिवमंगल सिंह तोमर, भिंड से संध्या राय, ग्वालियर से भारत सिंह कुशवाहा, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, सागर से लता वानखेड़े, टीकमगढ़ से वीरेन खटीक, दमोह से राहुल लोधी, खजुराहो से विष्णुदास शर्मा, सतना से गणेश सिंह, रीवा से जनार्दन मिश्रा, सीधी से डॉक्टर राजेश मिश्रा, शहडोल से हिमाद्री सिंह, जबलपुर से आशीष दुबे, मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते, होशंगाबाद से दर्शन सिंह चौधरी, विदिशा से शिवराज सिंह चौहान, देवास से महेंद्र सिंह सोलंकी, मंदसौर से सुधीर गुप्ता, रतलाम से अनीता चौहान, खरगोन से गजेंद्र पटेल, खंडवा से ज्ञानेश्वर पाटिल और बैतूल से दुर्गादास उइके को टिकट दिया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।